खबर विधानसभा क्षेत्र चितरंगी से है, जहां उपखंड अधिकारी चितरंगी असवन राम जरावन का 20 से 25 दिन पहले झोको पुल के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिससे दोनों पैरों के घुटनों में चोट आई थी, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। फिर भी दर्द से कराहते हुए अपने कार्य को प्राथमिकता के साथ कर रहे हैं। आज भी इलाज चल रहा है, जिसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट देखी जा सकती है। गौरतलब हो कि अभी भी चलने फिरने में विसंगति देखी जा सकती है। वहीं 22 जनवरी 2024 को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चितरंगी में कार्यक्रम समापन की ओर था, जहां राज्य मंत्री राधा सिंह शिरकत करते हुए पूजा अर्चना करने पहुंची थी। समापन के बाद मंदिर से वापस आते समय SDM बार बार अपना जूता पहनने का प्रयास कर रहे थे, परंतु दर्द इतना था कि झुक नहीं पा रहे थे, पैर भी नहीं मुड़ रहा था। इतना देख बगल में खड़ी संवेदनशील हमारे सामने यहाँ पे अधिवक्ता अखिलेश चतुर्वेदी जी हैं और यहीं चितरंगी में अपना जो है सेवा दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय SDM साहब की चितरंगी की एक खबर चल रही है, उसमें एक महिला की जो है तो जूता पहनाते हुए दिखाया जा रहा है। आप यहाँ रहते हैं, क्या SDM साहब के बारे में क्या आप बता सकते हैं? जो खबर चल रही है तो फास्ट चल रही है माननीय SDM साहब महोदय, लगभग 20-25 दिन से ये झोंकों में पुल का निरीक्षण करने गए थे, तभी पैर फिसला और पैर में भी नीचे भी घुटने भी चोट आ गया था। माननीय SDM साहब द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है ये सराहनीय है। अगर अन्य अधिकारी कोई होते इतना चोट के बावजूद कभी भी कोर्ट में काम न करते। माननीय SDM साहब के द्वारा दो व्यक्ति प्यून या बाबू मान दोनों तरह से पकड़ते हैं, तो माननीय को जाकर निर्मला देवी। हाँ, आप यहाँ तहसील में रहती हैं जी? किस पद पर हैं? जीत पलते हूँ। अच्छा, बताइए, एक मामला चल रहा है, कुछ दिन हनुमान मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था जी, तो उसमें आप SDM को जूता पहनाते हुए दिख रही हैं। क्या मामला था, किसी ने कहा है कि आप स्वयं जो है तो जूता पहनाई हैं? सर ऐसा है कि लगभग 20-25 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में SDM सर गए थे, जहां SDM सर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से दोनों घुटनों में चोट आ गई थी और साहब ठीक से चल नहीं पा रहे थे। इसलिए हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान संपन्न के नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आप बताइए कि SDM साहब जी। सर, हमारे सामने चितरंगी SDM साहब हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक मामला बड़ा तूल पकड़ते जा रहा है कि आपके द्वारा जो है किसी महिला से आपने जो है तो अपना जूता पहनवा रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या मामला है बताएं? दरअसल क्या है, 30 दिसंबर 2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय जो है शुक्ला साहब एनिज जो है गोपत पुल पर बने गोबर नदी के पुल पर बने पुलिया पर आदरणीय आए थे। हम लोग उस समय जो है कलेक्टर साहब सभी थे। मेरा अचानक जो है दायां पांव फंस गया और मैं वहां पे इंजुरीज हो गया था और दोनों घुटनों पे काफ़ी चोट आ गई है। तब से लेकर मैं जो है चलने फिरने में बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरे स्टाफ लोग सहयोग करके मुझे गाड़ी में बिठाते हैं, चलाते हैं, उठाते हैं। दरअसल क्या था कि प्राण प्रतिष्ठा का दिवस था 22 जनवरी 2024 को और अपने यहाँ जो चितरंगी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा कीर्तन चल रही थी, माननीय मंत्री जी भी थे और मैंने क्योंकि मंदिर पे खड़े होना था तो मैंने अपनी जूता जो है साइड में अपने दोनों पाँव के सहारे निकाल दिया था। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मैं अपने पाँव के सहारे पैर के सहारे मैंने वो जूता को पहन तो लिया जी, पर वो बत्ती मेरा खुला हुआ था और मैं झुक नहीं सकता था, बांध नहीं सकता था, वो पाँव में फंस रहा था और तकलीफ हो रही थी। बगल में जो है हवन कुंड और नाली था, गिरे जैसा मुझे लग रहा था जी, जी। तो मेरे जो कर्मचारी है जी, निर्मला देवी जी, उन्होंने तो मेरा सहयोग करने के लिए मौके पर उपस्थित हुए और मेरा वो बद्दी में सहयोग किए हैं जी, जी। बाकी मैंने उसको कभी आदेश नहीं किया जी। और ये मैंने बाद में देखा कि कौन है मेरे पांव की तरफ आए हैं, तो मैंने देखा कि ये निर्मला देवी वहां पे जो है हेल्प कर रही थी मेरा जी, जी, जी। और उन्होंने मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा सर आप नाली में ना गिर जाए और
बद्दी अगर फंस जाएगी तो कहीं भी गिर सकते हैं, तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ, ये उन्होंने मौके पर कहा जी। बस मामला यही है जी। बाकी जो चल रहा है न्यूज वो मैं जहाँ पर समझता हूँ वो असत्य है, मैंने सच्चाई उसमें नहीं है जी, जी, आपकी आपकी परेशानी देख करके जो है तो उन्होंने स्वयं अपने स्वेच्छा से जो है तो जी, को पहनाया है जी। चलिए, आपने इतनी बड़ी जानकारी दी और मीडिया के माध्यम से आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।